कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी जब DRS लेते हैं तो अंपायर को भी अपने फैसला बदलने पड़ जाते हैं, और ऐसा ही धोनी का कारनामा देखा गया पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में। धोनी ने अंपायर के फैसले के खिलाफ जाकर DRS लिया तो अंपायर को भी धोनी की काबिलियत के आगे सर झुकाना पड़ गया। धोनी का DRS सिस्टम यहां पर भी देखने को मिला, जिसे देखकर पत्नी साक्षी भी हैरान रह गई। तो चलिए बताते हैं पूरे मोमेंट के बारे में। लेकिन अगर आप भी धोनी को एक महान और बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले में 168 रन बनाए थे। जडेजा ने 26 गेंद में 43 रन की पारी के लिए और कोई बल्लेबाज कुछ ज्यादा बड़ा कर नहीं पाया था। लेकिन पंजाब किंग्स की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत तो खराब रही। देशपांडे ने शुरुआत में 2 विकेट जल्द ही दिला दिए थे, लेकिन उसके बाद शशांक और प्रभसिमन के बीच एक साझेदारी हो गई। हालांकि धोनी ने इस बीच गेंदबाजी में परिवर्तन की और इस जोड़ी को भी तोड़ दिया। लेकिन अंत में 19वें ओवर की यह पहली गेंद थी जब शार्दुल ठाकुर ने रबाड़ा कोडोट गेंद डाली और यह वाइड यॉर्कर गेंद थी। अंपायर ने इसे तुरंत ही वाइड करार दे दी, लेकिन धोनी ने तुरंत ही DRS लेने का फैसला किया। और उसके बाद जब अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर के पास भेजा तो रिप्लाई में देखा गया कि गेंद लाइन के बाहर नहीं बल्कि अंदर ही थी और यह वाइड गेंद नहीं थी। धोनी की काबिलियत के आगे अंपायर को भी अपना फैसला बदलना पड़ गया और इस वाइड करार न देते हुए फेयर डिलीवरी दी गई। धोनी की काबिलियत कोडो देखने के बाद उनकी पत्नी साक्षी भी हैरान रह गई, क्योंकि धोनी का रिव्यू सिस्टम जब भी नजर आता है हमेशा लगभग 90% वह ठीक ही होता है। अगर धोनी ने रिव्यू लेने का फैसला किया तो समझो अंपायर की ही गलती निकलेगी। और धोनी का यह चमत्कार फिर एक बार इस मुकाबले में देखने को मिला, जिसके बाद पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। धोनी की इज्जत लोगों के दिलों में और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन आप सभी धोनी की काबिलियत को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।